हाय दोस्तों, स्वागत है। और आज है नवरात्रि का अष्टमी, तो हम आए हैं दुर्गा कुंड। तो आप देख सकते हैं 4 बजे कितनी भीड़, और हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो आप नॉर्मल हो रहा है? अच्छा, भक्ति में माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है। अच्छा। और माता का दर्शन के लिए हम लोग प्रातःकाल भी निकल पड़े हैं। जी, हम लोग आज प्रातःकाल आए हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या है। थोड़े से हम लोग फूल माला वगैरह ले लेते हैं, और बाकी आप देखते हैं ये शॉप्स हैं। तो अभी चल के देखते हैं, मतलब अभी सुबह 4 बजे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, और अंदर देखते हैं। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और स्लीपर्स को हम लोगों ने बाहर रख दिया, और ये अंदर भी एक स्टॉल है। और ये क्या ले रहे हैं, कितने का है? मतलब 20 रुपया। ये दोस्त लिया था यहाँ। ये भी एक यहाँ मंदिर है गोपाल जी का। हम लोग अंदर आए और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, अच्छा खासा लोग हैं यहाँ पे। भैया को बाकी अभी तक के लिए यही, और आगे चलते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बाकी हम लोग निकल आए। बड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए। और वो भी साथ में वहाँ पे कैंसर पेशेंट के लिए एक डोनेशन कैंप भी था। बड़ा तो थोड़ा सा दान दक्षिणा कर दिया वो, हमने मानवता का अपना फर्ज निभाया। सो यू शुड हैव टू कम एंड यू शुड हैव टू डोनेट देयर समथिंग। सरकार की थी वसुदेव कुटुंबकम की हमारी सोच है कि भगवान से ज्यादा इस मंदिर चल अभी और भगवान है। सो अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे। और आप लोग प्रसाद लें या ना लें, लेकिन अगर ऐसा एनजीओ वगैरह आपको कहीं दिख जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन जरूर करें। अब हम आगे बढ़ गए हैं और देख रहे हैं क्या है। तो हमें कुछ आगे जाते ही मिलता है इस्कॉन। थे तो हमें मिलता है दयानंद सरस्वती जी का, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत में शास्त्रार्थ किया था और यहाँ के बनारस के पंडित लोगों का। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और रुका बहुत अच्छा लगा। और आगे देख, अब वहाँ से निकलने के बाद हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको एक और मंदिर मिला, तो यहाँ पे दर्शन किया, बहुत अच्छा मंदिर लगा। और फिर और हम आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर बाद हम पहुँचे संकट मोचन, वहाँ पे भी दर्शन किया जहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं।